उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसका लॉर्ड सूर्य होता है और ये नक्षत्र 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक पहला चरण इनका सिंह राशि में और बाकी के जो तीन चरण है यानी कन्या राशि में 10 डिग्री तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। आमतौर पर इस नक्षत्र में जन्मे जातक लंबे होते हैं, जातक संसार में सुखी जीवन बिताते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यवान होते हैं, स्वच्छ व्यवहार और रुचि के साथ अगर काम करें तो जिंदगी में सफल भी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का एक माइनस पॉइंट इनका गर्म मिजाज होना है। अब गर्म मिजाज आप इसे यूं समझिए कि सूर्य का ही नक्षत्र है ये, इनका पहला चरण जो सिंह राशि में ही पड़ता है सूर्य के नक्षत्र का, तो इसमें जन्मे जातक का मिजाज जितना गर्म होगा, कन्या राशि में जो सूर्य का नक्षत्र के बाकी के जो तीन चरण पड़ रहे हैं वो कन्या राशि में पड़ते हैं, तो वहाँ गर्म मिजाजी में कुछ कमी आएगी और जातक विनोदपूर्ण स्वभाव का होगा वहाँ। अब कन्या राशि से संपर्क होते ही इनमें धैर्य की कमी आने लगती है, सहनशीलता की कमी आने लगती है। अब चूंकि सूर्य का नक्षत्र तो है ही, गर्म मिजाजी तो इनके स्वभाव में होगी ही, अब इसकी वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं पर बाद में पश्चाताप करते हैं, मगर कभी कभी ये पश्चाताप करने में इनको बड़ी देर हो जाती है, यानी अपनी गलती समझने में इनको लेट हो जाती है, जिसकी वजह से इनको जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। हालांकि परिश्रमी होने की वजह से ये जातक सफल होते हैं, जनसंपर्क के कामों में इन्हें सफलता मिलती है अच्छी, क्योंकि बाकी के तीन चरण जो बुध की राशि में आ जाते हैं कन्या में, बुध जो है कम्युनिकेशन का मुख्य प्लैनेट होता है, तो आखिरी तीन चरण यानी कि कन्या में पड़ने वाले जो सूर्य के तीन चरण हैं उसमें जन्मे व्यक्ति जातक जो है जनसंपर्क के कामों में ज़्यादा सफल होते हैं। इन कामों में इन्हें धन लाभ होता है, थोड़े मनचले प्रकृति के भी होते हैं ये। अब चूंकि बुध का जहाँ योग बनेगा तो मनचलापन और बचपना तो वहाँ आ ही जाना है, ये चीज आपको समझनी होगी कि पिछले वीडियो में जो मैंने कहा ब्लेंडिंग्स पे ध्यान देना है, नक्षत्र किस राशि से संपर्क कर रहा है उसके नेचर को लेते हुए आप फलादेश कीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि मैं जो बता रहा हूँ या नक्षत्रों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जानकारी जो आपको पढ़ने को मिलती है वो आपको एज इट इज रटनी नहीं पड़ेगी, आप चीजों को खुद समझें, नेचर को खुद समझें, हर नक्षत्र का और हर ग्रह का जो नेचर जो है आप स्टडी करें, वो नेचर आपकी समझ में आएगा तो वो मिक्स जैसे ही होगा, ब्लेंडिंग्स जैसे ही होगी, वो फलादेश आपके सामने खुलकर आ जाएगा।